स्थान पर पहुंच चुका हूं जहां से कल मुझे फोन आया था, सुबह भी आया। ओम प्रकाश मेघवाल ने मुझे फोन किया था कि मैं छाबड़ी मिट्टी रतनगढ़ तहसील से बोल रहा हूं और हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और इस घर में मैं पहुंचा हूं, आप देख रहे हैं कुछ भी यहाँ नहीं है, पक्के मकान भी नहीं है, झोंपड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और निश्चित रूप से, और इधर मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश भी पहुंच चुका है यहाँ पर। और विधायक बहुत है, देखिए इधर विधायक अभिनेश जी महर्षि खुद मेरे साथ आए, इधर घुमाए कैमरा एक बार, देखिए विधायक महोदय खुद, जब मैंने उनको कॉल किया कि ऐसी स्थिति का घर है, तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं खुद चलूंगा और मैं सुजानगढ़ आपको लेने आ रहा हूँ, आपके साथ उस स्थान पर चलूंगा। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में और यहाँ तक कोई मदद नहीं पहुँची है। गाँव में एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से इस परिवार को मदद की बहुत ज़रूरत है। और मैं जो लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि छोटे छोटे गांव में जाएं जहां पर निश्चित रूप से अभी तक लोगों को मदद नहीं पहुंची है। रतनगढ़ तहसील के छाबड़ी गांव, छाबड़ी मीठी पहुँचे हैं, देखिए इस घर में जहाँ पर आप देख सकते हैं कोई पक्का मकान नहीं है, केवल झोंपड़े हैं। और विधायक खुद आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और मैंने आज इसीलिए ये कवरेज की है कि मैंने आपसे कहा कि इस तरह की स्थिति आपके तहसील में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, तो बोले तिवारी जी आप आए, मैं खुद चलूंगा लेकर। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, और ये ओम प्रकाश है जिन्होंने मुझे फोन किया था। तो इसमें जो है ना तीन राजेंद्र है वो ले क्या आटा ले क्या, ठाकुर साहब ये बच्चों को दो आप। ये देखिए बच्चों के लिए भी जैसा मैंने बताया था घर पे चिप्स आदि मंगा रखे हैं और जहाँ भी जाते हैं बच्चों के लिए भी सब चीज़ें लेकर जा रहे हैं। ओम प्रकाश जिन्होंने मुझे कॉल किया था उनके घर हम पहुँचे हैं विदाई जी के साथ। वो सारे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, निश्चित रूप से बहुत ज़रूरतमंद क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, इन लोगों की बहुत ज़रूरत थी मदद की। आसपास के घरों में भी पहुंचाया जा रहा है सामान, ओम प्रकाश से पूछ रहे हैं। एक बार तो बेटा है वो 20 किलो तो ऑटो है, 20 किलो ऑटो है, चीनी है, दाल है, आलू है, ठीक है ना। ऐ तो मैं भिजवा दिया, मेरे कन समाचार है शिव जी कहो मन के साहब वास्तव में गरीब है। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, देखें हाथी आया मैं तो तेरे लिए आया, ऐ तेरे ताऊ जी का सामना और तीन घर और मिलकर नाम तीनों देख जाए, ठीक है ना। संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति मदद के लिए आगे आ रहा है और मैं कसम से कह रहा हूँ इस संकट की घड़ी में एक शब्द छूट नहीं बोलूँगा। ओम प्रकाश ने कल रात्रि को मुझे कॉल किया कि सर मैंने लगातार आपके वीडियो देखे हैं और मैं छाबड़ी मिट्टी से बोल रहा हूँ, हमारे घर में कोई मदद नहीं पहुँची है और हमारी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि हम मज़दूर वर्ग हैं। और मैंने तुरंत रतनगढ़ विधायक अभिनेश जी महर्षि को कॉल किया कि सर इस तरह से आपके क्षेत्र में कुछ गरीब लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया, तो विधायक जी ने कहा कि मैं कल सुजानगढ़ आ रहा हूँ सुबह और आपको लेकर चलूँगा उस घर तक और आप, मैं जो कुछ कार्य कर रहा हूँ निश्चित रूप से आप प्रेरणा के लिए लोगों को बताएं क्योंकि मेरा काम है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सहायता करने का। पहले मैं ओम प्रकाश से जानना चाहूँगा कि आपको ओम प्रकाश मेरे नंबर कहाँ से मिले, आपने मुझे कॉल क्यों किया सिर्फ? मेरे को नंबर मिले यहाँ कुसुम दे सर, मैंने फ़ोन किया, मेरा सर्ड है उसको फ़ोन किया, उसके फ़ोन करने के बाद उसको से बोला मैं नंबर चाहिए मेरे को किसी की भी, उससे बोला तो वो बोला मेरे पास तो नहीं है, मैं अपने दोस्त से लेके दूँगा। फिर बोला वो तिवारी जी के नंबर मिल जाएंगे, वो ठीक है तिवारी जी के मिलते हैं तो वो भी नंबर मेरे को दो, मैं उनसे बातचीत कर लूँगा। फिर उनसे नंबर मिला, नंबर मिलने के बाद अब मैंने आपको शाम को कॉल किया, फिर आप बोले कल देखेंगे, वो ठीक है कल देख लेना। फिर आपने मैं सुबह बोला, फिर आए नहीं तो सुबह बोला, फिर एक बार फ़ोन ट्राई करके देखते हैं, फिर बाद में सोचा आप सुबह किया था उस टाइम आप बोले आ रहे हैं, फिर मैंने सोचा अभी आएंगे शाम तक आएंगे वो ज़रूर किसी उधर उधर इधर उधर कोई काम। अच्छा लग रहा है खुद विधायक जी आए हैं आपके घर में सब सामान लेकर? नहीं बढ़िया लग रहा है, विधायक जी आए हैं, दिक्कत नहीं आने दूंगा, निश्चिंत रहो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, आप लोगों को भूखा नहीं सोने दूंगा, आप मेरा नंबर भी ले लो, मेरा कार्ड दे देता हूँ, नंबर ले लो, कोई भी दिक्कत आए
तो आप मेरे को फ़ोन करना, मैं राशन सामग्री आपके पास में ज़रूर पहुंचा दूंगा, आटा दाल चीनी आलू ये मैं ज़रूर पहुंचा दूंगा, जिससे एक बार ये संकट का समय है ना, इसके अंदर अपन लोग इस संकट के समय को निकाल लेंगे। मेरे को कॉल कर देना, दोबारा तिवारी जी को करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को कॉल कर देना, मैं नंबर दे देता हूँ और निश्चित रूप से पहुँच जाएगा, ठीक है। मैं नमन करता हूँ विधायक अविनाश जी मर्ची को, जिन्होंने मेरा इतना आदर रखा, मेरे एक कॉल पर खुद गाड़ी लेकर सुजानगढ़ आए और आज हम यहाँ पर पहुँचे इनको राहत सामग्री देने के लिए। और मैंने पहले कहा 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू है, किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को मदद की ज़रूरत है तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस व्यक्ति तक मदद लेकर कोई ना कोई पहुँचे। और मुझे विश्वास था अविनाश जी महर्षि, इसलिए मैंने खुद उनको कॉल किया और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि आप खुद यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर ओम प्रकाश के परिवार तक पहुँचे हैं। और एक एक व्यक्ति की भूमिका में निवेदन करूँगा कि आप सबकी मदद करें जहाँ भी हो सके, लेकिन एक जरूरी निवेदन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी मांगे, दूसरे का बिल्कुल नहीं छेने, ये आप सबसे विशेष निवेदन है। देखिए कितनी बड़ी बात है, खुद इस गांव की गलियों में घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि और कोई ज़रूरतमंद है तो आए आप। इन घरों को निश्चित रूप से मदद की ज़रूरत थी और मुझे खुशी है कि मेरे माध्यम से इन तक मदद पहुंची है और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं विधायक अविनाश जी का, देश को जरूरत है ऐसे जनप्रतिनिधियों की। घर में पहुंचे हैं, आपके पास अभी तक कोई आया मदद लेकर? नहीं तो कोई नहीं आया, माल का कोई नहीं आया। आपको जरूरत थी बहुत? जरूरत थी, इतना ही तो बात थी। आप लोग क्या काम करते हैं? क्या काम कौन घर आए रे वहाँ नहीं, पहले जो अभी बंद से पहले क्या काम कर रहे थे घर के लोग? घर के लोग क्या काम कौन करता, बाहर रे वे आप माकन पे सपुग गए कोनी सैलरी मगन मिल रही कोनी। आप सुन रहे हैं, बाहर रहते हैं और पैसे इनके पास पहुंच नहीं रहे हैं, बहुत जरूरत थी इन लोगों की मदद की। एक और दो भाई, 10 किलो का आटा और तो खाली आ गए भाई। ठीक है भाई, ये आगे थे। हां मेरा नाम है भाई। सबसे पूछ रहे हैं कि जरूरत है, और देखिए ये व्यक्ति कह रहे हैं नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरतमंद ही लें ये सबसे जरूरी है। और आपने कहा है कि नहीं सर जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति का दायित्व बनता है इसमें, चाहे आम आदमी हो, अधिकारी हो, चाहे नेता हो। और मैंने अभी तक आपको समाजसेवी संस्थाओं के कार्य दिखाए हैं, डॉक्टर्स और पुलिस का कार्य दिखाए हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक जनप्रतिनिधि कितना कर्मठता से कार्य कर रहा है। क्योंकि सुजानगढ़ जो विधायक हैं वो हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री है, फिलहाल वो जयपुर हैं और हम उनका जो कार्य है वो सुजानगढ़ में नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं चाहता था कि कोई जनप्रतिनिधि अगर इस क्षेत्र में आए तो हम दिखाएं कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में क्या भागीदारी अदा कर रहा है। रतनगढ़ विधायक अविनाश महर्षि छापर के दौरे पर हैं और आज वो यहाँ पर नगर पालिका कार्यालय में आ रहे हैं। इससे पहले मैंने देखा किस तरह से वो लोगों को जागरूक करें, अपने गाड़ी में बैठे बैठे जहाँ पर लोगों को खड़ा देख रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि आप दूर रहें, एक दूसरे के पास खड़े नहीं हो, एक गैस एजेंसी में भेड़ देखे, तो तुरंत गाड़ी रोककर उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और अब वो यहाँ पर नगर पालिका में अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए पहुँचे हैं। आइए दिखाते हैं कि एक विधायक किस तरह से कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। रतनगढ़ विधायक अविनाश महर्षि अपने विधानसभा क्षेत्र छापर के नगर पालिका मंडल कार्यालय पहुँचे हैं अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए। नगर पालिका मंडल छापर में आप देख रहे हैं विधायक जी पहुँचे हैं मीटिंग लेने के लिए अधिकारियों से, और इस समय आप देख रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष मावी जी खटीक और तौफीक जी जो कि यू है यहाँ के अधिशासी अधिकारी, उनके साथ मीटिंग चल रही है और जनप्रतिनिधियों को भी इन्वाइट किया है विधायक जी ने और पूरी जानकारी ले रहे हैं कोरोना के खिलाफ जंग में किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है ये देखा जा रहा है। ऐसे जहाँ पर जो गंदगी रहती है, जहाँ कोई नाली रुके हुए हैं या इस तरह का कोई मामला है, वहाँ पर रिपीट करा दो। रिपीट नहीं है तो हमारे मुस्तैदी से पूरा काम कर रहे हैं, एक भी मतलब जिसने छोड़ रहे, सफाई का काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है, उसके अलावा हाइड्रोक्लोराइड वाला ये तो दूसरा फोगिंग भी करवाइए पूरे शहर में। फोगिंग भी करवा दी, अभी दोबारा फोगिंग का कब का प्लान कब करवा देंगे? दो एक दो दिन के अंदर अंदर पहले हाइड्रोक्लोराइड वाला पूरा राउंड हो जाए, उसका फोगिंग का राउंड, उसका हाइड्रोक्लोराइड का राउंड चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, ठीक है। और राहत सामग्री अपने पास में सफिशियंट है? सफिशियंट है। मैं एक और कह रहा हूँ, आपको यदि ऐसा लगे कि राहत सामग्री में कहीं कमी पड़ रही है सर, कोई ऐसे परिवार जिनको देना आवश्यक है सर, उन लोगों को यदि आपके पास में कमी पड़े तो आप मुझे बता देना, लेकिन एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको राहत सामग्री की आवश्यकता है सर।
और वो वंचित है सर, नहीं रहेगा सर ये आप अनलिमिटेड है, मेरे पास में आप जितना बताओगे उतनी मैं उपलब्ध करा दूंगा सर, ठीक है ना सर। लेकिन ये नहीं होना चाहिए चेयरमैन साहब, क्या राहत सामग्री ऐसे अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ जो दानदाता है वो दे रहे हैं, और हमने हमारे पर्सनल स्तर पर ईओ साहब ने हमारे को ठेकेदारों ने पार्षदों ने हमने हमारा एक फंड इकट्ठा करके हमने कर रखी है, उसके बाद में जरूरत पड़ेगी आपको भी है ना। मैं अभी भिजवाऊंगा अभी कुछ है, और उसके अलावा यदि जरूरत पड़े और तो आप भिजवा देना, लेकिन कोई कमी मत रखना। नहीं नहीं ठीक है। जयराम जी जांगीर भी उपस्थित है यहाँ पर, मंडल अध्यक्ष भाजपा। ये देखिए तमाम नगर पालिका मंडल कर्मचारियों अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं विधायक जी द्वारा। देखिए देखिए लोग भाग रहे हैं, देखिए विधायक जी को देखकर भी लोग भाग रहे हैं। भीड़ मत करो, अंदर अंदर हो सब, अंदर हो, भीड़ मत करो, बाहर मत आओ भैया, घरों से अंदर हो। देखिए विधायक जी गाड़ी में बैठे बैठे लोगों से निवेदन कर रहे हैं। अरे भैया ये भीड़ क्यों कर रखी है, एक मिनट कर रखी है, बहुत भयंकर। ये देखिए छापर के एक गैस एजेंसी पर पहुंचे हैं विधायक, और लोगों से कह रहे हैं कि आप भीड़ में क्यों खड़े हैं, बाहर चलो सारे के सारे। अरे भैया भीड़, ओ हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, भीड़ मत करो यार, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो। ये देखिए सोशल डिस्टेंस नहीं बनाया जा रहा है, ये निवेदन किया जा रहा है। इससे अंदर जगह मत रखो, बाहर निकालो सबको, एक बार चलो बाहर, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। और सब ठीक है सभी भाई, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं? ना ना दिक्कत, कोई राशन वगैरह की बात? अब पर ये गैस एजेंसी में जैसे देखा भीड़ है, लोगों को दूर किया है। गई भेज दिया, और कोई हो कहीं ऐसा लगे कि कोई गरीब आदमी है और उसको राशन की आवश्यकता है तो आप मेरे को फोन कर देना, उसको राशन भिजवा देंगे। लेकिन दूर दूर खड़े हो, एक साथ इकट्ठा मत हो, ये देखो ये क्या अलग, दूर दूर खड़े हो। आप देख रहे हैं पुलिस कर्मियों को रोका है विधायक जी ने। ये यार देख क्या हो रहा है, भीड़ लग रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ धंधा जी? अरे आप ये देखो ना क्या हो रहा है, मैं यहाँ देखा है किस तरह से लोगों ने इकट्ठा हो रखे हैं। यहाँ ड्यूटी लगाओ किसी आदमी की, अभी अभी करवा दे, ड्यूटी लगाओ यहाँ आदमी। डाकाली गांव में राशन डीलर से बातचीत हो रही विधायक की। माला से डाकाली और खिंची वाला, माला से ऐसा ही मेरे पास, और डाकाली और खिंची वाला। गेहूँ एक महीने का गेहूँ आ गया पूरा? हाँ आ गया, आज शाम तक सर जाएगा पूरा। ये बांट भी दिया, घर घर जाके बांट रहे हो, लोग एक साथ इकट्ठे तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर, इकट्ठे मत होने देना, और लोगों घर घर जा करके दे दो, ठीक है। इसमें सर कई आदमी रह रहे हैं, जैसे पहले राशन कार्ड बन गए वो गरीब है तो उनको नहीं मिल रहा, जैसे ढाका में घुंडचास है, उनको ग्राम सेवक को बता दो कि ग्राम सेवक उनकी लिस्ट बनाएगा, और ग्राम सेवक लिस्ट बना करके दे देगा। ये निर्देश दे दिए हैं कि जो राशन कार्ड में कवर नहीं होते हैं और वास्तव में गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम जो है लिस्ट बना करके बाद में दे देंगे। मालासी पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध भैरव जी मंदिर, जो कि लॉकडाउन में आप जानते हैं सब जगह मंदिर बंद है, और हिम्मत सिंह जी मालासी से मुलाकात हो रही है अभिनेश जी की, और भैरव जी से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि भगवान इस महामारी से सबसे रक्षा करें। ये देखे गुहाड़ में पहुंचे हैं और महिलाओं को बता रहे हैं। थोड़ी दूर, अति अति दूर खड़ी हो तू भी भाई, दूर खड़ी हो तेरो भरजी आज ना हो ले लेगी, कोई भी कंधे नजदीक में मत खड़े हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूर तू भी बेटी दूर खड़ी हो, बेटी थोड़ी दूर खड़ी हो। मैं इस समय रतनगढ़ विधायक जी के साथ चल रहा हूं, और मैं देख रहा हूं लॉकडाउन के दौरान विधायक जी किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं। छापर से वो जेतासर पहुंचे हैं, और यहां पर एक वार्ड में आप देख रहे हैं यहां पर नल लगा, इधर दिखे कैमरामैन जी, देखिए यहां महिलाएं पानी भर रही थी, तो विधायक जी ने इनसे निवेदन किया कि दूर दूर खड़े हो जाए, और इन लोगों से पूछ रहे हैं कि राशन वगैरह सब आपको मिल रहा है ना, कोई कमी तो नहीं है। एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि की भूमिका अदा कर रहे हैं इस आपातकाल के दौरान संकट की घड़ी में, और देखिए ये महिलाएं यहाँ पर जो पानी भरी थी पास पास में खड़ी थी, इनसे इन्होंने निवेदन किया कि थोड़ी दूर दूर खड़े रहें, क्योंकि जो कुछ सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कहे चाहे मुख्यमंत्री कहे, उनका सब लोग पालन करें, ये विधायक जी सबसे निवेदन कर रहे हैं। ये देखिए राशन व्यवस्थाएं भी गांव में, ले आओ
अच्छा दुकान ले आया, के ले आया हो? ऑटो खड़ा ले आया। ठीक है भाई ठीक। राशन बट रहे है या क्या? राशन की दुकान है। राशन बांट रहे है के? नहीं वो दुकान वाला है। अच्छा ये देखिए लोग फालतू में खड़े। अरे दूर 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 रखो, एक साथ इकट्ठा मत हो नियमों का। ठीक है जैता सर गांव विधायक पहुंचे हैं। ये देखिए जैता सर में आइसोलेशन सेंटर पहुंचे हैं। एबीसी तीनों कैटेगरी है, उसके हिसाब से अभी पांच आदमी आए थे। हाँ वो होम आइसोलेशन करवा दिए। होम आइसोलेशन? हाँ उनको। अपने यहीं जेता सर के हैं? हाँ जेता सर के पांच आदमी जिनको होम चाहिए, कोलकाता चाहिए। कोलकाता से अभी यहाँ पे मेडिकल टीम से चेक करवा के उनको होम आइसोलेशन करा दिया। हाँ। तो वो कौन सी कैटेगरी के हैं? एबीसी में से? वो सी के। सी कैटेगरी के सी वालों को होम आइसोलेशन, और ए कैटेगरी वालों को तो हॉस्पिटल में रखते हैं। ये वालों को जैता सर के आइसोलेशन सेंटर विधायक पहुंचे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अंदर ही रहने दोगे? ठीक है। और होम आइसोलेशन वालों के भी सरपंच साहब आपको ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बाहर आ जाएं और लोगों से नोटिस लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं। नोटिस है लेकिन फिर भी हिदायत देनी है उनको आप। जरूर सर बिल्कुल। और चेक करवाते रहना है क्योंकि ये बीमारी आपस में मिलने से फैलती है। नहीं सबको दूर दूर रखें सर, दूर दूर सोशल ऐसे हाथ करके, जैसे दोनों हाथ जितनी दूर होने इतनी दूर के अंदर, जैसे अपन खड़े ना ऐसे ऐसे इतनी दूर में नहीं होना चाहिए। उनको घर में भी अलग रूम में बंद करवा दो, घर में भी अलग रूम में बंद करा दो। बाकी ठीक है और सब? बाकी तो सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। राशन पानी की ज्यादा वैसे हम कर रहे हैं गाँव से, राशन की दुकान तो खुल गई। जैता सर सरपंच से जानकारी ले रहे हैं। मिल रहा लोगों को राशन? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो एकदम गरीब आदमी है जिसको बेचारे उनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल मेरे से संपर्क कर लेना, जरूरत पड़े तो मैं जितना भी होगा जरूर। एक भी आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो भूखा रह जाए अपने विधानसभा क्षेत्र। आपके गाँव की आपकी पंचायत की जिम्मेदारी आपकी है, मेरे को बता देना। ठीक है ना? जरूर। राशन की दुकान वालों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि कृपया सामान लेते सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। हर गांव के जन प्रतिनिधि के साथ मीटिंग कर रहे हैं विधायक, और हर जगह सोशल डिस्टेंस का संदेश दे रहे हैं जी। राशन डीलर की दुकान पहुंचे हैं, राशन बांट रहे हो? आज से चालू कर दिया। किन किन को दे रहे हो? पहले मिल रहे हो, पहले जिनको मिल रहा था उनको। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि जी अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, सरपंचों से मिल रहे हैं, एक एक चीज का अवलोकन कर रहे हैं। कहीं भी कोई भीड़ देखते हैं तो वहाँ गाड़ी रोककर उनसे निवेदन करें कि सोशल डिस्टेंस बनाए, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकले। साथ में उनकी ये गाड़ी चल रही है कैंपर जिसमें राशन सामग्री है, और जिन गाँव में जरूरतमंदों की लिस्ट बनी हुई है उनको ये जो किट है राशन सामग्री के वो प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 15 किलो राशन सामग्री है, जिसमें आटा तेल चीनी चाय ये सारी चीजें जरूरतमंदों को वितरित भी कर रहे हैं विधायक महोदय। ये देखिए ये किट प्रदान किए जा रहे हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंस बनाया गया है, दूर दूर लोगों को खड़ा किया गया है, और एक एक व्यक्ति को बुला कर ये राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, जिसमें 10-10 किलो आटे के पैकेट और उसके अलावा अन्य जरूरत की चीज़ें हैं। जिला महामंत्री भाजपा बजरंग जी गुर्जर आप देख रहे हैं पूरा सहयोग कर रहे हैं, वैसे भी हमेशा सहयोगी रहे हैं विधायक जी के। विधायक जी के सारथी राजेंद्र जी भी देखिए पूरी अपनी सेवा दे रहे हैं, ग्रामीण लोग भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। जैता सर गांव के तेजाजी मंदिर के सामने इसमें विधायक जी पहुँचे हैं, उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह जी को आप देख रहे हैं, और नंदलाल जी ये ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जहाँ भी जिस चीज़ की जरूरत पड़ रही है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। विधायक अभिनेश मर्जी की जी पूरी टीम कोरोना के खिलाफ जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं विधायक जी इनको रास्ते में मिले हैं और इनको आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस समय SN की टीम राजस्थान पहुँच चुकी है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन करवाया गया था मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा,
राजल दसर के मार्केट में बिल्कुल सन्नाटा नज़र आ रहा है। हालांकि इस समय राशन की दुकानें खुली हैं क्योंकि अभी वक्त है 10 से 2 बजे तक का, लेकिन यहाँ पर कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है क्योंकि जिन लोगों को राशन या कुछ खरीदना होता है वो जल्दी निकल कर वापस घरों में चला जाना चाहते हैं। और राजल दसर का ये नज़ारा मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। और आज मेरे साथ रतनगढ़ विधायक अभिनेश जी महर्षि है क्योंकि रतनगढ़ क्षेत्र के एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया था कि हमें कोई सहायता की जरूरत है, हमारे पास राशन नहीं पहुँचा है। तो जैसे मैंने विधायक जी से कहा कि इस तरह का एक व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं सुबह से शाम तक इस काम में लगा रहता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक पूरे दिन आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं भी दिखाऊं कि एक जनप्रतिनिधि एक विधायक क्या काम कर रहा है। और आज मैं सुबह से विधायक जी के साथ हूं और अब वो राजल दसर पहुँचे, यहाँ पर भी वो अधिकारियों की मीटिंग लेंगे। फिलहाल वो नगर पालिका के सामने उनकी गाड़ी खड़ी है। नगर पालिका मंडल राजल दसर का दृश्य आप देख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं लॉकडाउन में बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा नज़र आ रहा है। राशन की दुकानों पर भी कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है। और नगर का मंडल में विधायक जी पहुँचे हैं। ये हाइड्रो क्लोराइड के ड्रम आप देख रहे हैं, आइसोलेशन के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। छिड़काव कर रहे हैं ना, कोई कमी तो नहीं है ना इसमें किसी भी तरह की। हाइब्रिड की गाड़ी है, विधायक महोदय उप तहसील कार्यालय पहुंचे हैं राजल दसर के। हॉस्पिटल और दो चार लोगों से बातचीत करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं अव्यवस्था है। पुलिस को भी निर्देश दिए आपने, ये लिस्ट है, ये बीएलओ ने दी है, बीएलओ ने बनाया। बीएलओ आ रही है क्या ड्यूटी पर? बीएलओ फील्ड में है सर, फील्ड में है सारे, बिल्कुल बीएलओ फील्ड में है, एएनएम फील्ड में है। और पूरे शहर को दो जोन में बांटा गया है और जोनल ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए। जो भी बाहर से बंदा आता है सेम टाइम उसको आइसोलेट होम आइसोलेट करके उधर नोटिस दसवा देते हैं। जकात में क्या राजल दसर से भी कुछ लोग जकात में गए हुए थे दिल्ली? नहीं दिल्ली कोई नहीं गया, शुरू गए थे, शुरू गए तो उनका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, वो भी कंफर्म। वो कितने लोग हैं? आठ बंदे हैं, उनको करवा दिया। आठ लोगों को कहाँ रखा है? होम आइसोलेट कर रहा है। होम आइसोलेट, लेकिन होम आइसोलेट के अंदर दिक्कत ये है कि वो घरों से बाहर निकल जाते हैं। उसी के लिए जेडो लगाए हैं सर, जेडो लगा दी, जेडो लगाए हुए हैं और एएनएम जेडो और जो अपनी आरआरटी है रैपिड रिएक्शन। कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति की भूमिका बहुत ही जरूरी है। और अब तक मैं जितने भी कार्यक्रम बना रहा था उसमें सामाजिक संस्थाओं का जो योगदान था वो लगातार आप देख रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधि किस कर्मठता के साथ कार्य करें ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं, आम लोगों से निवेदन करें, यहाँ तक कि कुछ लोग जहाँ पर आम स्थानों पर खड़े थे उनसे ये निवेदन भी किया जा रहा था कि कृपया सोशल डिस्टेंस बनाए। खासतौर से छापर में जब हमने देखा गैस एजेंसी पर काफ़ी भीड़ थी तो उन लोगों को बाहर निकाला और एक एक मीटर की दूरी पर खड़ा होने का निवेदन किया। ये निश्चित रूप से एक जागरूक जनप्रतिनिधि की पहचान है। मैं सुभाष जी को बुलाना चाहूँगा, विधायक जी से मैं बातचीत बाद में करूँगा। राजेंद्र सर उप तहसीलदार हमारे साथ है। सर सबसे बड़ा सवाल आपसे ये कि जो अभी जो दिल्ली की घटना हुई है उसमें मरकज से निकले हुए लोग, मैंने सुना है कि यहाँ राजल दसर भी पहुँचे हैं, तो उन लोगों के लिए आपने यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रही है? राजल दसर में 8 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जिनका मरकज़ के लोगों से सेकेंडरी कॉन्टेक्ट था। ये लोग जमात में चुरू गए थे और वहाँ पे ये एक दो दिन रहे थे, तो इन सभी को आइडेंटिफाई करके होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, यानी उनको घरों पर आइसोलेट किया जा रहा है। हर जगह प्रशासन पूरा चौकसी बरत रहा है। और यहाँ पर राजल दसर के युवा उप तहसीलदार से मैं भी देख रहा था, जब विधायक जी से बातचीत करी थी तो उन्होंने सारे आंकड़े बताए हैं कि हम कोरोना के खिलाफ जंग में किस तरह के कार्य कर रहे हैं। गौशाला अधिकारियों से बातचीत हो रही है, चर्चा के ऊपर कर रहे हैं, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। कल सेक्रेटरी से बात हुई थी, पशुपालन सेक्रेटरी से, तो उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा कर रहे हैं, 6 महीने तक निर्णय लेंगे। अभी कोई भामाशाह दानदाता आगे आए हैं कुछ इस संकट के समय में? दानदाता आ रहे हैं, काम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन सबसे लोगों की जो दानदाता। गौशाला अधिकारी से बातचीत हो रही है। कोरोना नामक महामारी के खिलाफ हमारा देश लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति लड़ रहा है। आम लोगों की भूमिका तो यह है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इनका है कि एक एक व्यक्ति घर में रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है कि देश की जनता भूखी नहीं रहे, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पर अधिकतर लोग हैं वो मजदूरी करने वाले हैं, नित्य की कमाई से अपना पेट भरने वाले हैं। ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है, क्योंकि जब चुनाव होता है
तो हर नेता लोगों से यही निवेदन करता है कि हम आपके सुख और दुख में आपके साथ हैं, कि भी किसी भी संकट की घड़ी में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और देश पर सबसे बड़ा संकट आया है, मैं यूएन की दुआई आपको देना चाहूँ। यूएन का कहना है कि विश्व युद्ध के बाद में सबसे बड़ा संकट दुनिया पर आया है, तो हमारे देश पर क्यों नहीं आया है। और मैं आज विधायक रतनगढ़ अवनेश मिर्जी के साथ हूँ, और मैं आपको यह भी ईमानदारी से कहना चाहूँगा, क्योंकि धन्य के पास खड़ा हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। सुबह एक रतनगढ़ से कॉल आया मेरे पास कि सर रतनगढ़ क्षेत्र का हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुरंत विधायक अवनेश मिर्जी को फ़ोन किया कि मैं सर इस तरह से एक व्यक्ति है और उसको अनाज की ज़रूरत है। तो मेरे साथ आए कैमरामैन जी, देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर पूरा भंडार यहाँ पर भरा हुआ है। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आपको जो चीज़ चाहिए मैं खुद आप तक पहुँचाऊँगा। मैंने कॉल किया अवनेश मिर्जी जी से, उन्होंने कहा कि तिवारी जी मैं खुद इस समय छापर क्षेत्र में आने वाला हूँ, तो मैं खुद आपके साथ चलकर उस व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचाऊँगा। अभी हम उस व्यक्ति तक नहीं पहुँचे, लेकिन विधायक जी से मैंने कहा कि आपके आज के जो कार्यक्रम हैं उनमें मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो छापर से हम शुरू हुए, छापर राजलदेसर दोनों नगर पालिका क्षेत्र में गए, लोगों से विधायक मुझे लगातार मिल रहे हैं। और ये वो स्थान है जहाँ से ज़रूरतमंदों को रोज़ाना अभिनेशी की गाड़ी निकल रही है और लोगों को बच्चों तक के लिए, देखिए यहाँ पर चिप्स बिस्किट जैसी चीज़ें, क्योंकि दुकानें नहीं खुल रही है, बच्चों को ये सारी चीज़ें चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि जो पहुँचा रहा होगा, हम लोग पहुँचा रहेंगे, वो धान्य पहुँचा रहे हैं, चीनी चावल गेहूँ, लेकिन विधायक जी तो बिस्किट और चिप्स तक बच्चों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि काउंट जो लॉकडाउन के दौरान बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा भंडार भरा है गेहूँ का। और मैंने विधायक जी से बातचीत की, उनका कहना है कि हम 5,000 लोगों तक सहायता पहुंचा चुके हैं, और अगले अगर 2 महीने तक भी कोई ऐसी स्थिति बनी रही तो यहाँ पर हम कोई कमी नहीं रहने देंगे, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। और मैं नमन करता हूँ रतनगढ़ विधायक, और एक एक जनप्रतिनिधि से निवेदन करूँगा कि आप इस तरह का जज्बा रखें ताकि जनता में हाहाकार नहीं मचे। संकट की घड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम लोगों का साथ दें, खासतौर से उन लोगों का जो ज़रूरतमंद है, मजदूर हैं और बाहर नहीं निकल सकते और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और ये देखिए ये यहाँ पर ये दाल है, इधर ही आप देख रहे हैं आटा है, चावल है, बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं, सब्जियाँ भी आप दिखा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये आलू है, ये सब्जियाँ सारी चीज़ें हैं, यानी एक व्यक्ति को जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर लोगों के लिए विधायक अवनेश जी महर्षि ने उपलब्ध करवाई है। विधायक जी के निवास स्थान का ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए भंडार भरा हुआ है, क्योंकि सबसे ज़रूरी आटा और दाल है लोगों के लिए, जिसे एक व्यक्ति पेट भर सकता है। ये आप देख रहे हैं चीनी है, और इन सब के पैकेट इन लोगों ने बनवा रखे हैं, सब्जी भी है, प्रत्येक चीज़ लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए सारी चीज़ गाड़ी में लोड की जा रही है। विधायक महोदय देखिए खुद लगे हुए हैं इस काम में अपनी टीम के साथ। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग जाते हैं और लोगों की लिस्ट बना रखी है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के, प्रत्येक गांव में, नगर पालिका क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में, और उन तक ये सब राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखिए किस तरह से सब लोग लगे हुए हैं, जो लोग हैं वो सेवा के काम में ही जुटे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़ाना जाते हैं। अब मैं रतनगढ़ विधायक अभिनेश सिंह महर्षि के निवास स्थान पर पहुँच चुका हूँ, सुबह से मैं उनके साथ हूँ, छापर राजलदेसर का हमने दौरा किया है। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में आम लोगों तक राहत पहुँचाने के लिए विधायक अभिनेश सिंह महर्षि ने अपने घर में क्या व्यवस्थाएँ कर रखी है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। धन्वंतरी जो सदन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, धन्वंतरी नगर का दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि अभिनेश सिंह महर्षि का निवास स्थान है। यहाँ की तैयारी जो है लोगों के लिए वो आप देखिए ज़रूर। मित्रों आप सबको पता है कोरोना के खिलाफ जंग जब से शुरू हुई है, लॉकडाउन के पहले दिन से मैं लगातार, जब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आप जनता का कर्फ्यू लगाया था, उस दिन से लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। और मैं आपको प्रेरित करने के लिए एक एक कार्यक्रम दिखा रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि एक संकट की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी भी है और लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। आम लोगों की भूमिका, समाज सेवी लोगों की भूमिका, अधिकारियों की भूमिका, और आज देख रहे हैं जनप्रतिनिधियों की भूमिका। और लोकतंत्र गए थे इसमें विधायक और सांसद बड़े अधिकारी होते हैं और वही लोगों की सुनते हैं और वही लोगों के काम आते हैं। और आज आपने देखा रतनगढ़ विधायक अभिनेश सिंह महर्षि के साथ मैं लगातार हूं और मैं पुनः क्लियर करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, रतनगढ़ के एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया गांव से, जिसके पास अभी हम जाएंगे गए नहीं हैं। और मैंने आपसे निवेदन किया कि सर एक ऐसे गाँव में एक व्यक्ति है जिसका परिवार भूखा है, तो उन्होंने कहा कि सर आप खुद आइए, मैं आपको लेने आता हूँ, हम चलते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा कि आज आपके जो कार्यक्रम है उनके पूरे कार्यक्रम के दौरान मैं आपके साथ रहूँगा।
छापर में जब मैंने देखा कि गैस एजेंसी भीड़ थी तो विधायक खुद वहाँ पर रुके और लोगों से कहा कि अब इधर उधर हो जाए। एक जगह महिलाएं पानी भरी थी, उनसे निवेदन किया कि आप डिस्टेंस बनाएं। सुजानगढ़ जब ये पहुंचे मुझे लेने के, वहाँ पर भी एक सब्जी के ठेले पर भीड़ देखी तो आपने गाड़ी वहीं पर रोक दी और उनसे भी निवेदन किया कि दूरी बनाएं। और इस रोग का एकमात्र इलाज है सोशल डिस्टेंस, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है और एक मीटर की दूरी, जैसे इस समय हम बैठे हैं, एक मीटर की दूरी बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अगर ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ तो मैं तो कभी भी नींद तोड़ने वाला हूँ भी नहीं। सर बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके जज्बे को नमन करता हूँ। लगातार मैं आपके राजनीतिक इस पिछले 3 साल के पीरियड में आपसे जुड़ा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं बहुत प्रभावित होता हूँ आपके प्रत्येक कार्य को देखकर। और आज आपकी जो कोरोना के खिलाफ जंग में जो भूमिका मैंने देखी है, वो निश्चित रूप से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में आम लोगों की भूमिका क्या है, क्योंकि आप सबसे बड़े जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की सब लोगों से, हमें हमारा जीवन बचाना है। इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दी, प्रशासन को जो गाइडलाइन दी, जो नियमों की पालना करते हुए अपने आप को घर के अंदर रहते हुए इस महामारी, जो ये वैश्विक महामारी है, इससे मुकाबला करने के लिए हमें कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तकलीफ लोगों को हो रही है वो कोई अपने लिए नहीं कही है, वो देश को बचाने के लिए, हमारे लोगों को बचाने के लिए कहा है। ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, चाहे वो मेडिकल के चिकित्सा कर्मी हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे सिक्योरिटी के अंदर लगे हुए लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे बिजली पानी जैसे आवश्यक सेवाओं वाले महकमे में काम करने वाले लोग हों, सफाई कर्मी हों, ये सब लोग वो लोग हैं, वॉरियर्स हैं, ये युद्ध के अंदर योद्धा हैं जो हमें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो शिवजी सैल्यूट उन लोगों को करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, जिन लोगों ने न केवल विनम्रता के साथ में अपील की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने आप को अनुशासित रखेंगे तो हमारा जीवन बच सकेगा, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जनप्रतिनिधियों की भी। मैं तो मेरे इलाके के अंदर, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर सब लोगों से अपील कर सकता हूँ। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपील की है, लेकिन हमने जैसे ही ये लॉकडाउन की स्थिति शुरू हुई थी, हम सब साथियों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने मिलकर के हमने ये तय किया कि हमें किस तरह से जनता जनार्दन जो है उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। इसके लिए हमने भामाशाह लोगों से बात की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रतनगढ़ के उन तमाम भामाशाह लोगों का, उन तमाम समाजसेवी संस्थाओं का, जिन्होंने आगे बढ़ करके रतनगढ़ के लोगों के लिए, जो मेरा संकल्प था, जो मेरी भावना थी और जो मेरा एक संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का भूखा नहीं सोएगा, ये संकल्प लिया था, ये मैंने घोषणा की थी, ऐलान किया था। और वो मैंने ये सोच करके किया था कि बहुत सारे भामाशाह भी आगे आएंगे और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से मैं मेरे विधायक कोटे से और जो बाकी लोग हैं, मेरे पिताजी के नाम से ट्रस्ट है, मेरे पिताजी के नाम से ट्रस्ट है, मैंने जब बड़े भाई साहब से ये बात कही कि भाई साहब लोगों को इस समय संकट की स्थिति है, इससे उभरने के लिए हमको आगे आना चाहिए, उन्होंने सबसे पहले, मुझे खुशी है कि उन्होंने ये कहा, मुझे कोई लिमिट नहीं दी, उन्होंने मुझे कहा कि अनलिमिटेड तू ट्रस्ट से खर्च कर सकता है। और प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर 1 लाख रुपये व्यक्तिगत रूप से 1 लाख रुपये दिए, 1 महीने की मेरी तनख्वाह मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भी दी। और हमारे साथियों ने बात करके ये तय किया कि 10 किलो आटा, दाल और चीनी 1 किलो, ये हम लोग उन लोगों के पास में पहुँचाएँ। उसके बाद में कालांतर में हमारे एक पटेल साहब हैं जिनके पास में ये एजेंसी है, उन्होंने कहा कि बच्चों को, जब बच्चे अंदर घर के अंदर रहते हैं तो बच्चों को कुछ खाने के लिए, जैसा आप कह भी रहे थे कि बिस्किट चाहिए या आपको कोई नमकीन इस तरह की चाहिए, आजकल वेफर्स कुरकुरे इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो हमने वो भी बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर मंगवाई और वो भी हम साथ में भेज रहे हैं, जिससे बच्चे भी घर के अंदर रह करके पैनिक नहीं हो जाएं। मुझे खुशी है, आज सुबह मैं छापर भी गया, छापर के अंदर मैंने ईओ साहब से, नगरपालिका के चेयरमैन साहब और तमाम अधिकारियों से मैंने मीटिंग ली, बातचीत की, उनसे फीडबैक लिया, संतोषजनक फीडबैक है, कोई व्यक्ति वहाँ पर भूखा नहीं रह रहा है। फिर भी मैंने ये कहा है कि यदि कोई ज़रूरत पड़े, हालांकि मैंने भी वहाँ पर राहत सामग्री भिजवाई है, लेकिन फिर भी यदि कोई ज़रूरत पड़े तो निश्चित रूप से आप हमको बता देना। सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनको ये भी कहा है कि यदि आसपास के इलाके के अंदर, गाँव के अंदर भी यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है सैनिटाइजेशन की तो आप करें, उसके अंदर भी मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक, जो मैंने बार बार कहा है, जनता जनार्दन होती है, भगवान का रूप होती है, मेरे इस भगवान को बचाने के लिए यदि मुझे किसी भी तरह से किसी के सामने भी जाकर के यदि मुझे अपील करनी पड़े, बात करनी पड़े, तो निश्चित
निश्चित रूप से बात ही नहीं करूंगा, बल्कि उन लोगों के लिए जो भी समस्या होगी उसका समाधान करूंगा, ये मैं कह रहा हूं। उसके बाद में मैं राजल देसर भी आया, रतनगढ़ के अंदर भी अधिकारियों से मैं मीटिंग ले रहा हूं सब लोगों को, लेकिन एक अपील करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन दी है सोशल डिस्टेंसिंग की, लॉकडाउन क्या है, लॉकडाउन के अंदर हम अपने आप घरों के अंदर बंद होते हैं, दूसरे लोगों से नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं तो जो ये कोरोना वायरस है ये ट्रांसफर नहीं होता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर हम सब लोगों को ध्यान रखना है। मैंने मेरे साथियों को, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी की टीम इस काम के अंदर लगी हुई है, उन सब साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सल्यूट करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे नियम कायदे कानूनों का ध्यान में रखते हुए मुंह पे मास्क लगा करके, हाथों में ग्लव्स पहन करके और सैनिटाइज करके अपने आप को उसके बाद में जनता के बीच में जाते हैं, और एक एक व्यक्ति एक ही आता है। यदि कोई राहत सामग्री भी उतार रहा है तो वो एक व्यक्ति उतार करके एक व्यक्ति के हाथ में देगा, ऐसा नहीं कि भीड़ हो जाए। जहाँ जहाँ भी मुझे लगा है, मैं राउंड पर रह रहा हूँ, जहाँ मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन सारे लोगों को मैंने कहा है कि आप डिस्टेंस बना के रखिए, गाइडलाइन का पालन कीजिए। प्रशासन से मैंने ये भी अपील की है कि कोई बहुत ऐसा व्यक्ति जो गंभीर लाइलाज बीमारी का शिकार हो गया है, उसको यदि कहीं बाहर जाना है तो वो एम्बुलेंस लेकर के जाए, एम्बुलेंस लेकर के जाए, जिससे एम्बुलेंस को वैसे भी नहीं रोकते हैं, और यदि कोई मान लो दिक्कत आए तो वो SDM साहब से परमिशन लेकर के भी जाए। लेकिन आम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आम लोग बाग घर से बाहर बिना काम के नहीं निकले। यदि राशन सामग्री खत्म हो रही है, दुकान खुली रहती है 12 से 4 बजे के बीच में, तो वो भीड़ नहीं करके एक साथ सब लोग नहीं जा करके, एक एक व्यक्ति जाए और वहाँ जा करके वो राशन लेकर के अपने घर पे तुरंत प्रभाव से वापस चला जाए। एक चीज़ मैंने देखी, मैं गाड़ी में सुबह से आपके साथ चल रहा हूँ, छोटे छोटे गाँव में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और आप सबके फ़ोन पर अटेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक समस्या भी है, लेकिन आप फिर भी ये सब कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नहीं, ये संकट का समय है, बहुत सारे मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग बाहर अलग अलग राज्यों के अंदर फंसे हुए हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार से भी बात की है, प्रधानमंत्री जी को भी हमने लिखा है कि कोई गाइडलाइन बना करके उन लोगों के मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के उनको अपने अपने घरों के अंदर लाने की कृपा करें, ये हमने लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका राशन खत्म हो गया है, जैसे मेरे पास में एक चेन्नई से टेलीफोन आ रहा है, चेन्नई से 10-15 लोग हैं, तो मेरे वहाँ मेरे एक रिश्तेदार चेन्नई के अंदर है, मैंने उनको फ़ोन करके उनका एड्रेस भेजा है कि आप उनको राशन सामग्री भिजवा करके आइए। कलकत्ता के अंदर एक आदमी का मेरे पास में फ़ोन आया कि हम लोग 9 आदमी यहाँ पर फंसे हुए हैं, 9 आदमी हम आना चाहते थे, हम काम करते थे, जैसे सूरत के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, मजदूरी करने जाते थे, मिल में काम करने वाले लोग जाते थे, अब उनको वहाँ से मिलें बंद हो गई तो उनका राशन पानी भी ख़त्म होने को आ गया। तो जहाँ जहाँ हमारे लोग वहाँ पर हैं, बहुत सारे भामाशाह हैं जो अलग अलग जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, मैंने उन लोगों से व्यक्तिगत मेरे सबसे संपर्क है, मैंने उन लोगों से ये कहा है कि आप ये मदद कीजिए, तो उनके एड्रेस देते हैं, वो वहाँ पर उनका एक आदमी जाता है और जाकर के उनकी समस्या का समाधान करता है। आने वाली समस्या का जहाँ तक है, वो हमने सरकार से निवेदन कर रखा है, जब भी लॉकडाउन खुलेगा तब वो लोग आएंगे, और जब लोग आ जाएंगे तो उसके बाद में देखिए पैनिक नहीं हो लोग, हम बार बार ये कहते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लोग बागों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक फ़ोन की बात है, शिव जी फ़ोन तो सबका अटेंड मैं करता ही हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आज इस संकट के समय में यदि मैं फ़ोन नहीं अटेंड करूंगा तो बताइए कौन फ़ोन अटेंड करेगा। बड़ी बात है सर, अब एक अहम सवाल कि आज यहाँ पर IG का दौरा होने वाला है और एडिशनल DG भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनसे आप किस तरह का निवेदन करने चाहते हैं, क्योंकि हमारे चूरू ज़िले में 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सरदारशहर में, तो चूरू और सरदारशहर के लोग हैं, तो इस मामले में तो बहुत ज़्यादा भूमिका आपकी बढ़ गई, तो आज उनसे आपका क्या क्या निवेदन रहेगा? देखिए, हमारे ज़िले के अंदर 7 कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके अंदर सरदार शहर में जो लोग थे उनको हम मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजलदेसर में एक स्कूल के अंदर उनको आइसोलेशन के अंदर रखा गया था, उनका पॉजिटिव आने के बाद में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब मरकज जो था, जो वहाँ पर जलसा जो था, उसके अंदर जो लोग बाग गए थे उसके अंदर बहुत सारे चूरू ज़िले के भी लोग गए थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी काफ़ी लोग गए हुए हैं। मेरी लगातार बात होती है, SP साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, हमारे यहाँ के SDM IAS ऑफिसर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। प्रशासन बहुत चाक चौबंद है, प्रशासन बहुत त्वरित गति से सारा कार्य कर रहा है, इसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन फिर भी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके उनसे बातचीत करके इस बात के लिए आश्वस्त मैं खुद होता हूँ और मेरी जनता को करता हूँ कि किसी तरह का कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आए थे और जो कुछ ऐसे और लोग हैं जिनको भी अभी क्वारंटाइन के अंदर रखा हुआ है, तो ये सारी डिटेल जो है वो मैं लेने के बाद में आज जो एडिशनल DG और IG हमारे यहाँ पर जो मीटिंग लेने के लिए आए हैं, मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के कारण और यहाँ विधायक होने के नाते
चूँकि मेरे रतनगढ़ के अंदर मीटिंग है तो मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं यहाँ की स्थितियों का जायज़ा अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट भी लूँ, और अधिकारियों को यदि किसी तरह से कोई मेरे मन में किसी तरह के कोई प्रश्न है या जनता के द्वारा किसी तरह के कोई सवाल हैं तो उन सवालों को भी अधिकारियों से बात करके उनका निराकरण किया जाए। मैं समझता हूँ कि जब घंटे डेढ़ घंटे बाद में मीटिंग होगी उससे पहले मैं SDM साहब से भी मीटिंग लेने वाला हूँ, कलेक्टर साहब से भी मीटिंग करूँगा, और उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारी जो इस सुरक्षा व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। मैं एक मेरे मन के अंदर शिवजी जो बात मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोगों को मैं बार बार अपील करता हूं कि लोग झुंड के झुंड नहीं बनाएं। उन लोगों से मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि आपकी जान की जोखिम है, इसको आप गंभीरता से लें, इसको हल्के के अंदर नहीं लें। लोग बाग बिना काम के बाहर नहीं आए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, नियमों की पालना करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ बाज़ार में जाता हूँ, अभी दो दिन से तो थोड़ी सख्ती हुई है लेकिन बाज़ार के अंदर जाता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं कोई लॉकडाउन की स्थिति है। तो ये लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से हमें अपने आप को समझाते हुए करनी पड़ेगी, और आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से नए रतनगढ़ जीतेगा, कोरोना हारेगा, चूरू जीतेगा, कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। क्या बात, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में रतनगढ़ जीतेगा, कोरोना हारेगा, जिला जीतेगा, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, कोरोना हारेगा। अगर ये जज्बा एक एक व्यक्ति में आ गया तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हिंदुस्तान से विदा कर देंगे। और बड़ी बात यही जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि लोगों से एक ही निवेदन है कि लोग अभी भी सड़कों पर बाहर नजर आ रहे हैं, घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, एकमात्र इसका इलाज यही है, सुरक्षा ही इसका उपाय है, इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। कुछ और कहना चाहेंगे सर? शिव जी, हमने स्टार्टिंग के अंदर जब लोगों की सेवा का जज्बा लोगों के दिल में था, भामाशाह लोगों से बात की तो भामाशाह लोगों ने मेरी अपेक्षा से ज़्यादा उन लोगों ने यह कहा कि कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी आए करें, हम देने के लिए तैयार हैं। मुझे खुशी है इस बात की और मैं उन सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। हमने 2000 परिवार ऐसे सेलेक्ट किए थे पहले, लेकिन उसके बाद में बढ़कर के 5000 परिवार हो गए। अभी करीब करीब 5000 लोगों को हम राशन सामग्री वितरित कर चुके हैं, और आने वाले समय के अंदर चाहे हमें और भी मंगवानी पड़े, अभी भी हमारे पास में थोड़ा स्टॉक है, बहुत सारा ट्रक के ट्रक आए और लोगों को बांट दिए और उसके बाद में फिर दोबारा आ गए, राशन की कोई कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूं मैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपील की हमसे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो हमें अपील की कि संकट के समय में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए इस संकट के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने जो राहत कोष का नंबर दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त साथियों से तो मैं अपील कर चुका हूँ, उनको कहा है कि हमारी एक बूथ है, एक बूथ के ऊपर कम से कम 10 कार्यकर्ता, कम से कम 100 रुपये प्रत्येक कार्यकर्ता, ज़्यादा कितना भी दे सकता है। जैसे मैंने एक महीने की तनख्वाह दी है और 1,00,000 रुपये व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री राहत कोष में, 1,00,000 रुपया और एक महीने की तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में अलग अलग दी है, वैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो अपील कर चुका हूँ, पुनः अपील कर रहा हूँ, लेकिन आम लोगों से भी मैं अपील करता हूँ कि दिल खोल करके प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर अपना पैसा जमा कराएं, 100 रुपया कराएं। मुझे अच्छा लगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री की माँ ने जब उसके अंदर पैसा जमा कराया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हैं, उन्होंने पैसा जमा कराया, हमारे राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता, वी सतीश जी, राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे चंद्रशेखर जी, तमाम सब लोगों ने यहाँ आगे बढ़ करके पैसा जमा कराने का काम किया। तो हम सब लोगों को उन सब लोगों से सीख लेते हुए चाहे कितना भी कराएं, एक बच्चे का जज्बा देखते ही बनता था। एक बच्चा मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर कि एक बच्चे ने अपने गुल्लक को तोड़ा और तोड़ करके कहा कि 3 साल के अंदर जो मैंने रुपया इकट्ठा किया था करीब 2,2100 रुपये, वो आज समय आ गया इस गुल्लक को तोड़ करके देश की रक्षा के लिए लगाने का। ऐसे जज्बे वाले छोटे छोटे बच्चों से हमें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। शिव जी, मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में रतनगढ़ से जो कलेक्शन होकर के जाएगा स्वैच्छिक रूप से, वो कलेक्शन किसी से कम नहीं होगा। कितनी सुंदर अपील की है, और मैंने भी कल देखा कि एक बच्चा पुलिस स्टेशन गया और अपना गुल्लक तोड़कर 1,660 रुपये उसने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए हैं। और आपने बहुत अच्छा निवेदन सबसे किया है कि मैंने अपने एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है, 1,00,000 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि हम भी ये करें, अपनी पार्टी के लोगों से निवेदन किया, आम लोगों से निवेदन किया है, क्योंकि देश की इस समय स्थिति है वो गंभीर संकट की स्थिति में, पूरी दुनिया संकट की स्थिति में, और मानव मात्र का कर्तव्य बनता है कि ऐसे में हम अच्छा काम करें।